लोकसभा चुनाव 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, मगर इतना लगभग तय है कि अप्रैल मई में भारत की जनता अपनी सरकार चुनने के मिशन पर लग जाए। लोकतंत्र के इस अनुष्ठान में अपने हिस्से की आहुति डालने के लिए सिनेमा ने भी अपनी कमर कस ली है। 2024 चुनाव का साल है, यह तो पहले ही तय था, और पहले ही महीने से ऐसी फिल्में रिलीज के लिए शेड्यूल थी जिनकी कहानियां सरकार के कुछ लैंडमार्क फैसलों के इर्द गिर्द घूमती रही है। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टार फाइटर 25 जनवरी को ही थिएटर्स में रिलीज हो गई थी। भारत की पहली एरियल एक्शन फिल्म कही जा रही है फाइटर, बालाकोट एयर स्ट्राइक बेस पर थी। इस एयर स्ट्राइक को भारत की तरफ से पुलवामा हमले का जवाब माना गया था। इस बड़े पर्दे पर लेकर आई फाइटर अब थिएटर्स में अपने हिस्से की कमाई भी वसूल चुकी है। इधर फरवरी के आखिरी हफ्ते में आई यामी गौतम स्टार आर्टिकल 370 दूसरे हफ्ते में भी थिएटर्स का मीटर चला रही है। यह फिल्म किस राजनीतिक मुद्दे पर बेस्ड है ये तो शायद बताने की भी जरूरत नहीं है, फिल्म का टाइटल ही काफी है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक भाषण में इस फिल्म का जिक्र किया तो माहौल और बन गया। अब बहरहाल आप क्या कुछ कहेंगे इस खबर पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।